नमस्ते है जी। आज्ञा चक्र पे हम 5 अध्याय बना चुके हैं। ये 6ठा अध्याय है जिसमें मैं आपको त्राटक करना सिखाऊंगा। त्राटक आज हम सभी साथ में मिलकर करेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को पहले देख लें और उसके बाद मेरे साथ त्राटक करें। ये मत सोचिएगा कि ये रिकॉर्डिंग है, ये सोचिएगा कि हम साथ में ही हैं। गुरु तत्व आपके काम आएगा। कुछ चीज़ें के बारे में आज हम समझ लेते हैं कि त्राटक को लेके कुछ गलत फहमियाँ हैं कि बिल्कुल आँख के सीधे सीध होना चाहिए या फिर आँख के थोड़े ऊपर होना चाहिए या आँख के बहुत नीचे होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने अपने ऊंचाई अपने हाइट के अनुसार जो सबसे सही जहाँ मैं कंफर्टेबली देख सकता हूँ, जहाँ मैं सहज होकर देख सकता हूँ, मैंने वहाँ दीपक को लगाया है एक प्रॉपर हाइट। इस जगह पे मैं त्राटक 9 सालों से कर रहा हूं। यही वो जगह है, यही वो दीपक है, यही वो पात्र है। जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कोई भी साधना जब करते हैं, कोई भी ध्यान जो करते हैं, एक वस्त्र, एक जलपात्र और एक आसन, तीन चीज हमेशा रिपीट होगी, हमेशा उसका ही इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि ये वो तीन चीज़ें हैं जो आपकी ऊर्जा को धारण किए होती है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार का पत्थर धारण करते हैं तो वो भी धारण कर लीजिए, क्योंकि ये ऊर्जा वो पत्थर अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। जैसे कि मैंने हमेशा सिखाया है कि ये बैटरी की तरह काम करते हैं। कोई और हीलिंग इंस्ट्रूमेंट जो है आपके, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने त्राटक इस तरह की साधना के समय उसे अपने आसपास ही रखें, ताकि आपकी आभा मंडल से निकलने वाली ये ऊर्जा जो कि ब्रह्मांड में अपने आप विलीन होते जा रही है, ये सारे घटक अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, अपने अंदर कैद कर लेंगे और आपकी ही ऊर्जा आपके बाद में काम आएगी। आइए हम आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए त्राटक का अभ्यास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे माथे पर एक गोल चंदन का तिलक है, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले काफ़ी समय से मैं ये ध्यान कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, और इस वजह से आज्ञा चक्र में एक ज़बरदस्त खिंचाव आ गया है। आप देख सकते हैं कि मेरी आँखें काफ़ी बोझिल हो रखी है, थोड़ी लाल हो रखी है। तो ऐसे कंडीशन में चंदन जो है ठंडक देता है आपकी आज्ञा चक्र को। आप ऋषि मुनियों को देखेंगे पूरे माथे पर चंदन लगा के रखते हैं, पूरे माथे को भरे रखते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र को सुरक्षित रखने के भी ये काम आता है और आज्ञा चक्र को शांत रखने के भी काम आता है, और जो ऊष्मा निकल रही है उसे चंदन अपने अंदर सोख लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज्ञा चक्र को और गहरे से समझते हैं, और यहां तक आप आ चुके हैं। अब यहां से हम ध्यान करेंगे आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर बहुत सारी जानकारियां मैंने पहले ही दे रखी है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, इन 45 दिनों के अभ्यास में हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी बातों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये सारी चर्चा करते हुए भी मैं अपना ध्यान इस दीपक के लौ पर लगा के रखा हुआ है मैंने। आप भी मुझसे चर्चा के दौरान अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दीजिए। केवल त्राटक करना बिल्कुल उचित है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि अब हम आगे के स्तर पर आ चुके हैं, तो हम शांभावी मुद्रा का प्रयोग अभ्यास पहले करेंगे, पहले 3 मिनट में, और उसके बाद नासिकाग्र त्रिष्टि योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे अगले 3 मिनट। शांभावी मुद्रा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपनी दोनों आंखों को
अपनी आज्ञा चक्र पर टिका रखा है। दोनों आंखों की मणियां आज्ञा चक्र पर। सारा ध्यान आज्ञा चक्र के खिंचाव पर। यह अभ्यास आप 3 मिनट करेंगे। मैं इसे यहीं रोक रहा हूं। आंखें बंद कीजिए। और अब नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा, जिसमें आप अपनी दोनों आंखों की मणियों को अपनी नाक के बिल्कुल सीधी सिद्ध पर लगा देंगे। अगले 3 मिनट इस योग का अभ्यास। आप देखेंगे कि भगवान शिव की किसी भी मूर्त में, किसी भी फोटो में यही मुद्रा लगी होती है। और अब नासिकाग्र मुद्रा पूरी होते ही आंखें बंद कर लेंगे। और अब आंखें खोलते ही त्राटक शुरू हो जाएगा। त्राटक पर सारा ध्यान। एक टक लगाकर आंखें, आसपास का सारा वातावरण आपको ब्रह्मांड की तरह महसूस होगा। अपने भीतर ब्रह्मांड को देखेंगे और अपने बाहर भी ब्रह्मांड को देखेंगे। केवल आप और यह ज्योति, इसके अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं। इस ज्योति की शक्ति से आपकी अंतरात्मा ऊर्जावान हो रही है। आपका शरीर हल्का हो रहा है। सांसें मध्यम हो रही है और गहरी हो रही है। अपनी आंखों को सहज होना जाने दीजिए। अपनी आंखों को सहज हो जाने दीजिए इस दीपक की रोशनी के साथ। बहुत तेज खिंचाव का अनुभव हो सकता है आपको अपने माथे पर, लेकिन थोड़ी ही देर में दीपक की इस रोशनी के साथ आप सहज हो जाएंगे। आज्ञा चक्र की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। इस ऊर्जा को अपने बाकी चक्रों में भेजने की तैयारी कर लीजिए। आज्ञा चक्र से इस ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र में, विशुद्धा चक्र में, हृदय चक्र में, मणिपूरक चक्र पे, स्वाधिष्ठान चक्र पे और मूलाधार चक्र में आपका ध्यान जैसे जैसे केंद्रित होगा, दीपक की लौ भी स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे थे,
पहले दीपक की लौ बहुत हिल रही थी, लेकिन आपके ध्यान के साथ दीपक की ये रोशनी भी स्थिर हो गई है। दीपक के लौ के भीतर आप अपने इष्ट के दर्शन करिए, परमात्मा के जिस स्वरूप को भी आप पहचानते हैं, जानते हैं या मानते हैं, उन्हें दीपक के लौ के भीतर देखिए। परमपिता परमात्मा, हे जगत की पालन करता, हे मुझे बनाने वाले, धन्यवाद प्रभु मैं आपको देख पा रहा हूं। मैं अपनी आज्ञा चक्र पर यह प्रयोग कर रहा हूं, मुझ पर अपनी कृपा करें। मेरी इस दृष्टि पर अपनी दिव्य दृष्टि डालें ताकि मुझे ज्ञान हो, मुझे बोध हो, मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हो, मेरे देखने के, सुनने के, महसूस करने की क्षमता परम तक हो। अपने और अपने समाज के जीवन को आध्यात्म से भरने के लिए, दिव्यता से भरने के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूं खुद पर। सुख के चाह पर नहीं अपितु आनंद की इच्छा से मैं यह प्रयोग कर रहा हूं। मुझे दिव्य आनंद से भरिए प्रभु, मुझे आनंद का अनुभव होने लगा है। और अब मैं शांत हो रहा हूं, शांत हो रहा हूं, शांत हो रहा हूं। बने रहिए इस ध्यान में। यही प्रयोग आपको रोज करना है, अपने आज्ञा चक्र पर शुरुआत में 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 15 मिनट, 21 मिनट।
इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पल के सतह बंद ना करें। जब भी त्राटक पूरा हो दोनों हाथों से आंखों को बंद करें, क्योंकि सारी ऊर्जा आंखों की पलके थाम नहीं पाएगी और ये पूरी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। हथेलियों में सारी ऊर्जा को लेकर के अपने चेहरे पर से मन चाहे तो जिस किसी को भी हीलिंग भेजना चाहते हैं इसी समय भेज दीजिए। कोई प्रार्थना भेजना चाहते हैं किसी के लिए इसी समय कर लीजिए। एक मिथिली होगी आपके भीतर, एक नशा सा होगा, घबराएंगे नहीं, आंखों को बंद रखेंगे और अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। ये दीपक जो अभी तक आप अपने दोनों नेत्रों से देख रहे थे, अब आप आंखों को बंद करके भी देख पा रहे होंगे। अपने आसपास की चीजों को आंखें बंद करके भी आप देख पा रहे हैं। यही आज्ञा चक्र का प्रयोग है, यही त्राटक विद्या का प्रयोग है। मन असीम शांति से भर जाएगा। चाहे तो थोड़ी देर लेट जाए या फिर थोड़ी देर परमात्मा का नाम लेकर क्योंकि ये ऊर्जा जो आपको बहुत भारी लग रही है उसे थामने के लिए आपकी ये मिट्टी का शरीर काम नहीं आएगा। आपके आध्यात्मिक शरीर स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं जिसे, इसमें आपके सातों चक्र व्याप्त हैं। तो देखा आपने, ये थी त्राटक की पूरी प्रक्रिया। कुछ समय मैं यहाँ निकल था और अब मैं जाग गया हूं। ये पूरा प्रयोग ऐसे ही आप रोज करेंगे, बहुत आनंददायी क्रिया है। हठ योग की ही क्रिया है लेकिन आनंददायी क्रिया है। इसे घर पर अकेले भी दोहरा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा अपने गुरुओं को नमन कर लें, परमात्मा को नमन कर लें, ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं को अपने कमरे में बुला लें, अपने गुरुओं की चेतना को यहाँ बुला लें और उनके सानिध्य में आप ये करें। या देखना फिजिकल फॉर्म में किसी गुरु का होना जरूरी तो है, लेकिन आप इतनी भी तीव्र क्रिया नहीं कर रहे हैं तो ये संभव है। तो गुरुओं की चेतना को भी अपने भक्ति के द्वारा आप बुला सकते हैं। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तक के लिए नमस्ते जी।